के महमुदा असलान को अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात अमन का मतलब दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के रवैये के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है एस सी ओ शानदार कॉन्फ्रेंस का इनका पाकिस्तान में हुआ और ये अल्फाज हैं भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के जो अब अपनी सरजमीन पर लौट चुके लेकिन एक भरपूर कॉन्फ्रेंस का इनका करना पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया को एक शानदार जवाब है हम अमन चाहते हैं हम अमन कर सकते हैं हम अमन रखते हैं और हम अमन पसंद कौम है और एक बेहतरीन इनकात से ये मैसेज भी गया कि जो वज़ी अजम ने अपनी तकरीर में भी कहा एक तो फ़लस्तीन की बड़े खुल के बात हुई दूसरा दहशत गर्दी के तदारक की बात हुई तीसरा रीजनल कॉरपोरेशन में सबसे अहम नुकता कि आप रीजनल कॉरपोरेशन आप अपनी ट्रेड बढ़ाएं आप अपनी कल्चर वैल्यूज़ को एक दूसरे को दिखाएं ट्रेड करें उसकी भी उसके साथ साथ एजुकेशन की बात करें आप इकोनॉमी की करें सारी चीज़ें जुड़ी आम के साथ अगर आप अपनी सिक्योरिटी पर काम करें तो कनेक्टिविटी तब ज़रूरी है जब एक एजेंडा एक माइंडसेट एक जैसा अमल दरामद ये सारे ममालिक करेंगे तब जाकर कॉरपोरेशन हकीकी मानों में अमल दरामद का नाम होगा कागजों में नहीं रहेगा इसी का जिक्र भी किया गया और इस पर इंफेसाइज भी हुआ के आस्ताना डिकलेशन और एस पाकिस्तान में होने वाली ये तेईसवी मीटिंग इस पर अब अमल दरामद के दिन है इस पर अमल दरामद करें ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ाएं जैसे दुनिया बढ़ा रही है यूरेशियाई यूरीशियाई की सबसे बड़ी ये तंजीम बन चुकी है और एक ताकतवर तंजीम है गुज्तर रोज़ से हम बता रहे हैं कि चालीस फ़ीसद दुनिया की आबादी इस तंजीम के का हिस्सा है और बत्तीस फ़ीसद से ज़ायद का जी डी पी दुनिया का यही कंट्रोल करते हैं यानी यही ममालिक अपना हिस्सा डालते हैं पाकिस्तान अपना हिस्सा डालने को तैयार है और अब ज़रा बात करेंगे हम खुलकर कर कॉरपोरेशन चूँकि हो चुकी है अलामियाँ सामने आ चुका कॉरपोरेशन के एलिमेंट्स पर बात करेंगे ग्रीन डेवलपमेंट पर बात करेंगे डिजिटल इकॉनमी की बात की गई उस पर करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जियाँ जिसका ज़िक्र किया गया कि मुल्कों पर पाबंदी लगाना मुशी पाबंदी लगाना इकतसदी पाबंदी लगाना और इकोनॉमी रिलेटेड पाबंदियाँ लगाना ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुनाफी है रूल्स के इस पर भी बात करेंगे फिर बैन अवी सतह पर इसको कैसे देखा जा रहा है पाकिस्तान बैन अवी ताल्लुक में हद तक अपना इनपुट तो दे रहा है लेकिन हम किस हद तक वायलबल तरीके से शानदार तरीके से आगे बढ़ सकते हैं इस पर करेंगे बात डॉक्टर मुनवर हुसैन साहब एक तो एंकर पर्सन भी हैं साथ ही साथ सीनियर तजिया कार हैं माहिर बैनवा अमूर हैं बहुत शुक्रिया है डॉक्टर साहब आज आपने हमें ज्वाइन किया साथ ही साथ नईम सिद्दीकी साहब माहिर इकतियात हैं माहिर माशियात हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया बहुत है बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका भी डॉ क्यों कॉन्फ्रेंस एक ऐसी हम हम समझते हैं कि ये देखिए कॉन्फ्रेंस नहीं है मैंने अभी शुरू में जब पी की बात की तो यही कहा कि हमने दुनिया को एक मैसेज दिया है कि भाई हम में सकत है हम सिक्योरिटी के बुरे हालात से निकल के बेहतरीन हालात में आए हैं और सिर्फ इसकी मरून मदनत के हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी एजेंसीज़ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हमारी आवाम सब ने कुर्बानियाँ दी हैं तब जाकर इस मुल्क में यह अमन हुआ है कि दुनिया भर के शानदार डिग्नेटरीज़ इस मुल्क में आएँ सबसे पहले अरसलान आपने मुझे में मदू किया बहुत शुक्रिया पहला लफ्ज़ इस समिट के बारे में जो मैं कहूँगा अलहद ला रबीद का लाख लाख शुक्र बहुत कामयाब गई है और जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो उसको तीन सतहों पर हम कामयाब देखते हैं एक दाखिली सतह पर कामयाब देखते हैं जिससे पाकिस्तान का तासर बेहतर हुआ है पाकिस्तान को इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली हैं और उसकी मिसाल ये है कि रशिया बेलारूस और चीन ने मिलकर ये एग्रीमेंट किया है कि 40 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान में गवादर एयरपोर्ट का इनका हुआ है और गवाडदर एयरपोर्ट इस वक्त जो खत्े की जो ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट उसका मरकज़ बन सकता है बिकॉज़ जो छोटी एयर ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे आ सकती है और इसके मद में पाकिस्तान 0.5 बिलियन डॉलर सालाना कमा कमा सकता है और फिर इसकी एक वजह यह भी है कि मिडल ईस्ट के अंदर चूंकि इनस्टेबिलिटी है गज़ा की वॉर की वजह से और फिर दुबई का जो एयरपोर्ट है वो बिजी भी ज्यादा है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है तो दाखिली सतह पर नफकत ये कि आपका तासर जो अक्सर मीडिया पे आपको नजर आता है लेकिन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल के सामने आई है पर साइड लाइन जो मीटिंग्स हुई है वो बहुत सफारती लिहाज से ज़बरदस्त हैं और उससे पहले भी पाकिस्तान सफारती कार्रवाईों का मरकज़ रहा है मलाइियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब तशरीफ लाए सऊदी डेलीगेशन आया उससे पहले रशियन एक डेलीगेशन था नार्थ साउथ हम कॉरिडोर की बात कर रहे थे इस दफ़ा इस समिट की साइड लाइन पर रशियंस ने हमें इन्वाइट किया कि आप उसका हिस्सा बने और फिर वो हिस्सा हम बन सकते हैं जब चाह बहार और गवादर आपस में लिंकअप हो जाएंगे सी पैक टू की बात हुई है जिसमें एक तरफ टर्की और रशिया उसके मेंबर बन रहे हैं तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई जो एनर्जी सोर्स के हब हैं वो भी सी पैक टू का हिस्सा हैं तो दाखिली सतह में बड़ा ज़बरदस्त है और ख़ते की सतह में पाकिस्तान जिस तरह से उसका महल वकू है ईस्ट एशिया को वेस्ट एशिया से जोड़ता है पेवोट ऑफ एशिया है और वहाँ पर हम देखते हैं कि सफारतकारी में भी सबको जोड़े खड़ा है तो ये एक बेहतरीन चीज़ है और बैन अवी सतह में पाकिस्तान का ये जाहिर हुआ है कि पाकिस्तान एक इम्पॉटेंट नेशन है इंटीग्रल पार्ट है इंटरनेशनल कम्यूनिटी का जिसके बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव रशिया से भी आ रही हैं और अमेरिका से भी आ रही हैं और आपने अमन का जिक्र किया अमन के हवाले से पाकिस्तान की भरपूर काविशें हैं यानी यूनाइट नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशन का मामला हो इस्पेशली अफ्रीका का इस हवाले से ब्लैक हॉक मूवी भी हॉलीवुड ने बनाई है जिस तरह से सोमालिया में yes, हमारे फौजों का किरदार है जनरल जिन्नी ने अपनी किताब बैटल रेडी में पाकिस्तान की फ़ौज की बड़ी तारीफ की है वार ऑन टेरर का मसला हो जहां सत्तर हज़ार से ज़्यादा हमने दी हैं और तकरीबन सौ डेढ़ सौ बिलियन डॉलर से ज्यादा की हमने माशी कुर्बानी दी है तो हमारा एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड आपको नजर आता है अच्छा, आखिरी आखिरी बात बात सिर्फ सऊदी और ईरान की जो में है इसकी शुरुआत भी पाकिस्तान ने की थी। क्या बात है चले जी ब्रॉडर एस्पेक्ट में और ये स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने कर दिया है नईम साहब क्या कहेंगे बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बात की है देखिए सबसे पहले तो मैं इस कॉन्फ्रेंस के इनका पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ और खास ख़ासतौर पर हमारी जो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देते हैं लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नवा शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ी कम्प्रीहसिव तकरीर की है और मैं समझता हूँ कि ये आखिरी तौर पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बड़ा क्लियर कट उन्होंने मैसेज दिया है कि हम इस एस सी ओ कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन कंट्रीज के इलाहा के साथ कैसे हम इस खत्े की मुआशी जो बदहाली है या मुआशी तरक्की में कैसे अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं उन्होंने बड़ी कैटेगरिकली डायरेक्ट बात की है कि इस एस सी ओ की कामयाबी के लिए अफगानिस्तान में अमन होना बहुत जरूरी है वो अफ़गानिस्तान को एक मस्तहम कंट्री देखना चाहते हैं अगर आप अफगानिस्तान की हैसियत देखें तो पिछले छः हज़ार साल से ये एक ऐसा कॉरिडोर है जो सेंट्रल एशिया रशिया को पाकिस्तान के साथ मिलाता है चाइना के साथ मिलाता है इंडिया के साथ मिलाता है तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेन फोकस उनका जो था मैं समझता हूँ कि कोई दिफाई टोटल तो 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 जो बात हुई है वो माहौलियात भी हुई है एनर्जी भी हुई है इकोनॉमी भी, भी हुई है डेवलपमेंट भी हुई है ऑफ द इमेज ऑफ द सोसाइटी एंड अपलिफ्ट द पॉवर्टी लेवल ऑफ द ईच नेशन और ये मैं समझता हूँ इंतहाई अहम बात है और जो उन्होंने एक बात की है अफगानिस्तान के बारे में कि वहां एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए एक उन्होंने इनडायरेक्टली इंडिया को भी मैसेज दिया है कि देखें आई हम आग के अमन की सतह पे आपस आप में मुदाक्रत करें और ये जो खिता है जिसमें 26 ट्रिलियन डॉलर की इस वक्त जीडीपी के पी के नीचे आप खड़े हैं फोर्टी परसेंट ऑफ दिलेश अच्छा यहाँ पे एक ब्रेक अच्छा मैं नईम साहब एक ब्रेक लेनी है फिर आते जरा ये इकोनॉमिक फीचर्स पर भी बात करते हैं वॉल्यूम ट्रेड के वॉल्यूम पर भी बात करते हैं और डब्ल्यू जिसका जिक्र हुआ आज उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं जिस पर पाबंदी लगाई जाती है वो मुल्क उस पाबंदी के नीचे कैसे गुजारा करते हैं आते हैं ब्रेक के बाद इस पर वेलकम बैक जी ब्रेक पर जाने से पहले मुआशी तरक्की का जिक्र हुआ ट्रेड का जिक्र हुआ बायोलेट्रल ट्रेड्स का हम जिक्र करते हैं हमेशा डॉक्टर साहब हमारी जानब से बड़ा दिलकुशादा है हम कोशिश करते हैं कि अपने तमाम ममालिक के साथ ट्रेड को जारी रखें हमने तो भारत के साथ भी बड़ा लंबा अरसा रखी वो तो हालात ऐसे बना दिए गए कि मामला आगे नहीं बढ़ा लेकिन चलें अब हम आते हैं इस पर सर रीजनल कॉरपोरेशन इसकी रूह ये कहती है कि तमाम ममालिक एक मकसद एक गोल और एक रिजल्ट ये कैसे मुमकिन होगा जब कोई एक उस रिजल्ट में उस उस मकसद में या उस आँगी में या थोड़ा सा चेंज साट रखे देखें ये इसका जो स्लोगन है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ये बुनियादी तौर पे जो इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट है जिसे हम रैशनलिज्म भी कहते हैं जो रियलिज्म और लिबरलिज्म के दरमियान की अप्रोच है वो ये कहती है कि सेंस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी को डेवलप करें क्यों बिकॉज जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और रीजनल या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके दरम्यान में गैप है रीजनल पॉलिटिक्स के की ताउन करें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के की नहीं दुश्मनी करें तो उस गैप को कैसे कम करें सेंस ऑफ रीजनल सोसाइटी इंटरनेशनल सोसाइटी किसकी बुनियाद पर कामन गोल्स की बुनियाद पर कामन गोल्स क्या हैं सस्टेनेबिलिटी किस तरह से हासिल की जाए डेवलपमेंट में क्लाइमेट चेंज आ रही है दहशत गर्दी का मसला है गुरबत मिटाने का मसला है टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र का मसला है ज़रूरी मसनुआत एक दूसरे को देने का मसला है भूख को मिटाने का मसला है तालीम का मसला है नौजवानों की आबादी बढ़ रही है उसको किस तरह से टैकल करें तो ये वो मसाइल हैं जिसपे ताउन की ज़रूरत है और इसी वजह से ये ममालिकट्ठे एक दूसरे के आ रहे हैं इसमें दूसरा नुकता जो समझने की जरूरत है अरसलान भाई वो ये के सार्क भी इसी बुनियाद पे थी क्यों फेल हो गई आसियान क्यों डॉर्मेंट फेज में जा रही है क्योंकि वो फंक्शनलिज्म पे हैं फंक्शनलिज्म कहते हैं यार सियासत को और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसको आप साइड पे रखें और उसके बाद आप सिर्फ माशी मैशत में बात करें और पाकिस्तान में ये आर्ग्यूमेंट देते रहेगी जी कश्मीर के मसले को रिजॉल्व किए बगैर आलू टमाटर का, का कारोबार हम कैसे कर सकते हैं लेकिन ऐसी न्यू फंक्शनलिस्ट अप्रोच पर वो कहती है कि यार जो आपके सियासी मसाइल हैं जो आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड मसाइल हैं उनको भी हल करें बिकॉज आपको डिफेंस सिक्योरिटी भी चाहिए सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी चाहिए और ये इसको इसाक डार साहब जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं ये नेचुरल फिनमिना है कनेक्टिविटी का और देखें दिन ब दिन इवॉल्व हो रही है दूसरा ये कि दुनिया देखती थी ग्लोबल नॉर्थ को ग्लोबल नार्थ की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी तरफ हम देखते थे जो वो फरमाते थे हम कहते थे ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का फरमान है लेकिन ग्लोबल साउथ ने फील किया यार हमारी बात तो आ नहीं रही सरफेस के ऊपर हमारे मसले कौन हल हल करेगा तो इस वजह से ये जो आपकी नॉन अलाइन मूवमेंट है उसके अलावा एस है उसके अलावा ब्रिक है ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल साउथ के मसाइल को एक चीज बताई ब्रिक्स में जाने से और पाकिस्तान ने तो उसके अप्लाई भी कर रखा था लेकिन दावत भी मिल गई फायदा होगा मुझे लगता है बिकॉज उसकी बुनियादी वजह यह है कि रशिया की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट आएंगे पाकिस्तान इस रीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट नेशन है चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में दो की ये रुकन है उसके अलावा ईरान सऊदी अरब उसके मेंबर हैं वो हमारे दोस्त ममालिक हैं तो वो भी इसको सपोर्ट करेंगे और रह जाता है भारत तो भारत का मैं ये समझता हूं मेरी ये जाती राय है कि जो जयशंकर साहब ने शिरकत की है वर्चुअल शिरकत भी कर सकते थे आना भी खुश आइन है उसके बाद जो उन्होंने जेस्चर किया और बड़ी मोहताज और तकरीर की है वो स्पेस बनाती है अब यहां पे कमाल होगा हमारी डिप्लोमेसी का थी डिप्लोमेसी का कि हम भारत के साथ किस तरह से उसको लेके चलते हैं बाकी काम तो रशिया और चीन ने हमें फैसिलिटेट करना है और मैं पुर उम्मीद हूँ कि हमें ये मेम्बरशिप मिल जाएगी नहीम साहब अच्छी चीज़ मतलब डॉक्टर साहब ने चलें उस तकरीर पर भी कह दिया मोहतात तकरीर की है तो हम एक नए दरवाज़े खोल रहे हैं नई जहतें खोल रहे हैं पाकिस्तान अब जाहिर है एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है अपनी जोग्राफियाई हैसियत से ले लें पाकिस्तान अपनी एग्जिस्टेंस से ले लें ले न्यूक्लियर पावर है हमें अपनी ट्रेड इस खत्े में बढ़ाने के लिए किन दो या तीन कॉम्पोनेट्स का मैं आपसे जिक्र करना कि कि हमें बताएं कि क्या हो सकता है और रशिया के साथ भी बढ़ाएं ट्रेड हम बाकी उतान को हम क्या दे सकते हैं वहां से क्या ले सकते हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं और चाइना तो हमारे साथ खड़ा ही है बिल्कुल ये मुझे थोड़ा सा टाइम दें मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा था कि 26 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है ये जो आठ दस मालिक हैं इसमें जो शामिल हैं अब चाइना 4700 बिलियन जो है उसका वो एक्सपोर्ट करता है और 2700 बिलियन का वो इंपोर्ट करता है अब देखिए बहुत बड़ा ट्रेड ट्रेड उनका प्लस है प्लस साइड में वो जा रहे हैं ये कैसे इसी तरह रशिया जो है उसकी भी जीडीपी जो है टू ट्रिलियन डॉलर से अबव है इंडिया की तकरीबन थ्री पॉइंट फोर ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है फोर के करीब हम इस वक्त इस जो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं एक इसका है जियो इकोनॉमिक्स अब जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे जियो इकोनॉमिक्स में एक आता है आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कि हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा दूसरे आप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि ये एस हमारे लिए सताइस साल के बाद एक बड़ा इवेंट हुआ है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर हमने बहुत एहतियात की और बहुत मेहनत की बहुत आर एन डी की और हम मल्टी लेटर से बाई लेटर नहीं छो, छो, छोटी सी इसमें ऐड कर दें अभी आपने जो हजम बताया जो वॉल्यूम बताया ट्रेड का हम इसमें क्या इनपुट कर सकते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं इनपुट कितना दे सकते हैं हमारा क्या इनपुट हो सकता है सर हम हंड्रेड परसेंट वी हैव टू ऑफर देखिए हम उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान से कॉटन बहुत ज़्यादा होती है उज्बेकिस्तान दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम है। एक देखें इसमें जो एस सी ओ की ये जो कंट्रीज की ये जो कॉन्फ्रेंस है ये जो तंजीम है इसमें सबसे खूबसूरत बात यही है कि कंट्रिक्यूस है यानी कि हर एक का बॉर्डर है के साथ लगता है यानी कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस आपका बहुत कम है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बहुत कम है और हम सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूट कर सकते ना सर इस वक्त जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अफगानिस्तान में मुस्तकम होना चाहिए और अमन होना हमारी ब्लू ब्लू इकोनमी इसे बहुत तरक्की कर सकती है इन सारे मुल्कों को वार्म वाटर की जरूरत है और पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट है दुनिया की तीसरी डीप सी पोर्ट में जिस पर हर किस्म का जहाज जो लंगर अंदाज हो सकते हैं और इसका मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं पाकिस्तान रशिया तक आप को भेज सकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ा प्लस है आप एक कॉरिडोर हैं और पैक जो है इसका बहुत बड़ा एडवांटेजेस एडवांटेजेज कंट्री के थ्रू पाकिस्तान ले अच्छा अच्छा लियाम साहब आपने ना बड़े बड़ा अच्छा हो गया आपने हमें वॉल्यूम ट्रेड और हम क्या इनपुट कर सकते हैं मैं जरा इस पर डॉक्टर साहब का छोटा सा एक व्यू डॉक्टर साहब का इस पे डिफरेंट व्यू के हिसाब से मैं कह रहा था लेकिन ये जरूरी है इस पर ले डॉक्टर साहब जो नईम साहब कह रहे हैं समझते हैं कि हम अपने इनपुट के लिए मुकम्मल तैयार भी हैं तैयार होना पड़ेगा चूंकि अपॉर्चुनिटी रीजनल पॉलिटिक्स में भी नज़र आ रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी नज़र आ रही है और इसके लिए याद रखें जो अभी नोबल प्राइज़ मिला था दो हज़रा तीन हजरात हैं, डेरोन हैं साइमन जॉनसन हैं जेम्स, जेम्स। रॉयसन हैं उन्होंने दो वेरिएबल्स दिए हैं कि जिन ममालिकर रूल ऑफ़ लॉ होता है और गुड गवर्नेंस होती हैं वो हमेशा इकनॉमिकली तरक्की पाते हैं जिसकी तरफ हमारे दोस्त ने भी इशारा किया कि आर एंड डी के साथ अगर रूल ऑफ लॉ होगा और दूसरा गुड गवर्नेंस होगी गुड गवर्नेंस का मतलब है कि जो आप माशी फवाद फवाद ले रहे हैं क्या उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा आम लोगों के ऊपर आम आदमी चूँकि रियासत का मकसद ये है कि आम आदमी को फैसिलिटेट करे उनकी सिक्योरिटी उनकी प्रॉस्पेरिटी उनके लिए ऑर्डर उनके लिए जस्टिस उनकी फ्रीडम का ख्याल रखे रियासत को ये करना होगा वो उसी सूरत में होगा जब गुड गवर्नेंस होगी दूसरा मैं ये कहूँगा कि अब हमें सियासी इस्तेकाम की जरूरत है हमारे दोस्त मालिक कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया आप सियासी इस्तेकाम लेकर कर आएँ ये एक दूसरे को दीवार से लगाने वाली रवश को दूर करना होगा तीसरी बात यह कि हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है हर वो इदारा जिसको हम प्राइवेटाइज करते हैं वो कमाना शुरू कर देता है जब तक गवर्नमेंट के हाथ में होता है वो नुकसान में जा रहा होता है चूंकि प्राइवेट इदारा उसको रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा होता है तो रिफॉर्म हम चीन से सीख सकते हैं अमेरिका से हमारी यारी दोस्ती है उनसे उनकी एक लंबी तारीख है रिफॉर्म्स की उनसे हम ले सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये जब तक हम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोनों हजार बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं एक तो जहाँ जहाँ ममालिक ने तरक्की की और वो ममालिक हमारी रीच में है ख़ासतौर पर चाइना के साथ हमारा बरादराना ताल्लुक है चाइना ने दिनों नहीं बल्कि मैं कहता हूँ देखते ही देखते सालों में चाइना वहाँ खड़ा हो गया जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिकों का ख्वाब है सोचते हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक जंगे नहीं कें चाइना ने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात दूसरा खाली मुल्क तरक्की नहीं कर रहा निचला तबका उठकर ऊपर आया इसका मतलब है निचले तबके की एजुकेशन पर काम हो रहा है स्किल पर काम हो रहा है उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर काम हो रहा है उसको ऊपर लाने पर काम हो रहा है जरा इस पर करते हैं बाद एक ब्रेक वेलकम बैक जी बड़ी मज़ेदार डिस्कशन ब्रेक पर जाने से पहले और बड़े फिगर सामने आए वॉल्यूम आया सामने ट्रेड का कैसे बायलेटरल ट्रेड्स को बढ़ाया जाता है कैसे बायलेटरल तालुकात को बेहतर किया जाता है रीजनल कॉरपोरेशन क्या चीज़ होती है इसी के बीच में एक अहम लाइन एस एम हम कहाँ ऑपर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं हमारे पास कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं और हमारे पास कितनी इसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है नईम साहब

पचास आदमी भी काम कर रहे हैं तो ये एक एस भी सेक्टर आता है जो एक आप समझ लें कि नॉन लिमिटेड कंपनीज होती हैं ये अपने अपने लेवल पे इनकी अपनी एक्सपर्टीज होती हैं इनके अपने एक्सपर्ट्स होती हैं मतलब जैसे कोई इंडिविजुअल एक आदमी जीनियर है और वो अपनी फील्ड एक्सपर्ट है उसने अपनी छोटी सी कंपनी बनाई हुई है और उसे बड़ी कंपनियों को ये जो है ना अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं मतलब जैसे मैं मिसाल देता तो हूँ ट्योटा है या होंडा है ये जापान की बड़ी कंपनीज है लेकिन अगर आप पूछेंगे कि होंडा की गाड़ी कहाँ बनती है तो बनती तो वो वहाँ पे नगोया में है उनका ट्योटा एक सिटी है जिसमें ये गाड़ियां बनती है लेकिन अगर पूछे मुझे कि पार्ट्स कहां से आते हैं तो पूरे मुल्क के बत्तीस शहरों से उसके पार्ट्स बन के आते हैं कहीं पे उसके टायर बनते हैं कहीं पे उसका पिस्टन बनता है कहीं पे उसके रिंग्स बनते हैं कहीं पे तो इस तरह पूरे मुल्क के जो जहां जहां एरियाज की एक्सपर्टीज है कि विंटर जहां पे है जहाँ पे सर्दी है वहाँ कौन से पार्ट बन सकते हैं जहाँ पे गर्मी है वहाँ कौन सा तो रीजनली उन्होंने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ताकि वेदर इफेक्ट जिन चीजों पर जितना होना चाहिए वो उसको ड्रॉप करके अपनी फैक्ट्री में तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी वाली बात है और ये एसएमईज है। जो हैं वो 5% ऑफ द जापानी इकॉनमी इज द एसएमईज और पाकिस्तान में एसएमईज को वो दर्जा दिया ही नहीं गया क्योंकि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो पिछले 20 साल से ग्रो ही नहीं कर सकी जो वो हमारी जरूरत ही लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करने की क्योंकि ये बड़ी इंडस्ट्री ताबे होती है छोटी इंडस्ट्री के ऊपर जो पार्ट्स बना बना के उनको देती है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करती है फिर वो वहाँ पे उसको संभल करते हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी फैसला बात सियालकोट और ये छोटे छोटे गुजरात ये छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पे सारे आपको एस मिलेंगे और ये प्रोडक्ट अपनी बना के अगर हमारे यहाँ लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग यूनिट से ही काम करना शुरू कर दें तो अगर हुकूमत उनको फेसिलिटेट करे टैक्स एग्जेंशन दे तो पाकिस्तान की जो एस एम ई सेक्टर वो दूसरा पाकिस्तान डिस्पेरिटी ये है कि एस एम ई सेक्टर को वो एडवाटेजेस नहीं है मतलब इनकी बिजली महंगी है इनकी गैस महंगी है इनकी पोल्ट्री को बिजनेस महंगा है ये जो चीजें बिटक्सेशन पे बड़ी हैवी है।, है तो जब तक आप एक रैशनलिज्म नहीं होगा एक थिंक टैग भी बैठेगा तो सोचेगा नहीं कि हम इसपन को ये टीएम दे रहे हैं एक बहुत मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब को भी इसमें ऐड कर लो क्योंकि वक्त कम होगा हमारे पास डॉक्टर साहब एस एम सेक्टर और जिस तरह नईम साहब बता रहे हैं जापान ने कैसे इकानमी ग्रो की ऐसी चाइना में भी है एस एम सेक्टर को बहुत ज़्यादा बरत दी जाती है ताकि वो खड़े हो जाए अपने पाँव पे और फिर उनका इनपुट आपकी जी डी पी में नज़र आ रहा होता है बिल्कुल नईम साहब ने जिस तरह से खोल के बयान किया है इनफैक्ट बल्कि हमें भी एजुकेट किया है और मैं समझता हूँ यही तो वो बात है कि जब हम रीजनल कोऑपरेशन की बात करते हैं इस तरह मल्टी लेटरल फोरम्स के ऊपर तो उसका फ़ायदा ये है कि इस तरह की जिस जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो हमारे साथ शेयर करें दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझने की ज़रूरत है यहाँ पे बात की जा रही थी कि ट्रेड स्पेशलाइजेशन का भी कोई स्कीम बनाई जाए मिसाल के तौर पे अगर बेलारूस ट्रैक्टर्स बनाता है ये नहीं है कि सारे ममालिक्रैक्टर्स बनाना शुरू कर दें फिर एक्सपोर्ट किसको करेंगे एक्सचेंज किस तरह से होगा कोई एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट होगा कोई आईटी सेक्टर के अंदर एक्सपर्ट होगा कोई जनाब हवा, 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 हवाई जहाज बनाने के अंदर एक्सपर्ट होगा कोई शिप्स कोई बना पार्ट इस पर पार्ट्स बना रहा होगा तो इस तरह की जो स्पेशलाइजेशन है हर इदारे की हर ममालिक जिस तरह हम अच्छे स्पोर्ट्स आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं मेडिकल जो इक्विपमेंट है वो बहुत अच्छा हम प्रोड्यूस करते हैं कपड़े के अंदर हम बहुत शानदार हमारी परफॉर्मेंस है तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डेवलप होनी चाहिए लेकिन जो एस एम ईज़ का जो कॉन्सेप्ट है इस इसी लिए तो मैं कह रहा था कि रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है अच्छा नहीं सर इसमें छोटा सा बड़ा शॉर्ट सा आपका व्यू चाहिए ये जो हम सी पैक का जिक्र कर रहे हैं सिक्सटी फाइव बिलियन डॉलरस का मनसूबा बन चुका है बड़ा तरीन ये बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव का मामला भी बनेगा और यही सबसे अहम इस पे जो इकोनॉमिक जोन है इसमें कितना हम हिस्सा कर सकते हैं एस के हवाले से सर पहले हमारे दस इकोनॉमिक जोन थे कम होते होते चार रह गए अभी अभी आईएमएफ का बड़ा प्रेशर है कि दो हजार पैंतीस तक हमने सारे इकोनॉमिक जोन खत्म करने हैं तो सर बेसिकली ये है कि हम अपनी लोकल स्किल डेवलपमेंट जब तक नहीं करेंगे आप हैरान हो गए इसका यहाँ एक कंपनी है इस्लामाबाद में जो फॉरेन कंट्रीज में गाड़ियों के पार्ट बना के भेजती है तो हमारे तो बहुत माइंड है डॉक्टर वक्त आए। आए कम जो था जो मैं नईम साहब माजरत वक्त कम है मैं इस पर एक और प्रोग्राम इंशाल्लाह रख लूंगा और हम इस पर बड़े डिटेल डिस्कशन करेंगे नईम सिद्दीकी साहब थैंक यू सो मच सर आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनवर साहब बहुत शुक्रिया सर आपका भी फिर होती है मुलाकात आपसे अपना ख्याल